जनजाति विकास मंच झाबुआ ने मुख्यमंत्री के नाम ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए झाबुआ और अलीराजपुर को केंद्र बनाए जाने को लेकर और भविष्य में होने वाली सभी ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजित करने और बैकलॉग भर्ती पूर्ण कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जब हम अलीराजपुर क्षेत्र आदिवासी बहुल्य होकर यहाँ के लोग दुरुस्त क्षेत्रों में निवास करते हैं, वर्तमान में भी हमारे समाज के लोग आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यहाँ के आदिवासी समाज के लोग छात्र छात्राएं शासन द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाएं जो कि अधिकतर ऑनलाइन होती है, झाबुआ अलीराजपुर के छात्र छात्राओं को ऐसी समस्त प्रतियोगिता परीक्षाएं इंदौर उज्जैन आदि स्थानों पर जाकर देना पड़ती है जो कि झाबुआ और अलीराजपुर से काफ़ी दूर है। इंदौर और उज्जैन शहर बहुत बड़े होने के बावजूद भी अधिक क्षेत्रफल में फैले होने के कारण यहाँ से परीक्षा केंद्र भी काफ़ी दूरी पर रहते हैं। जब हम अलीराजपुर में इन शहरों से जाकर फिर परीक्षा केंद्र पर जाने में परीक्षार्थियों को बहुत कठिनाई और व्यय पड़ता है जो कि झाबुआ अलीराजपुर के परीक्षार्थियों के लिए संभव नहीं है। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। हमारी मांग यही है कि जो ऑनलाइन परीक्षा केंद्र है उसके लिए यहाँ के विद्यार्थी इंदौर जाते हैं, रतलाम जाते हैं, उज्जैन जाते हैं। हमारी मांग है सरकार से कि परीक्षा केंद्र झाबुआ में ही खोला जाए। और अभी तक हमने 400 विद्यार्थियों के हस्ताक्षर करके एक अभियान चलाया है जिसमें 400 बच्चों के हस्ताक्षर करवाए और जल्दी से जल्दी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र यहाँ की जाए, इसे मांग की गई है। आपका नाम और पता? मेरा नाम अल्केश मेड़ा झाबुआ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।